बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता शमी कपूर हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे थे। सभी लोग उनकी और अभिनेत्री गीता बाली की प्रेम कहानी से वाकिफ हैं। लेकिन शादी के कुछ ही वर्षों के बाद गीता बाली का निधन हो गया था, जिसके बाद दिग्गज अभिनेता ने लीला देवी से दूसरी शादी की थी। इस दूसरी शादी का बड़ा कारण बच्चों की परवरिश थी। ये सब कुछ सभी लोग जानते हैं, लेकिन इन सब के बारे में शमी कपूर के बेटे आदित्य कपूर का क्या सोचना है, क्या आप जानते हैं? तो आइए जानते हैं लाइमलाइट से दूर रहने वाले आदित्य कपूर अपने पिता की शादी के बारे में क्या सोचते हैं, और उन्होंने क्यों कहा था कि उनके पापा का एक दो नहीं बल्कि कई अभिनेत्रियों के साथ संबंध था। दिवंगत अभिनेता शमी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर ने हाल में ही अपने पिता के निजी जीवन के बारे में खुलासा किया। 1956 में जन्मे आदित्य शमी और गीता बाली के बेटे हैं। जब आदित्य 9 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया था। शमी ने गीता से प्यार करने के बाद शादी कर ली। हालांकि 1965 में चेचक की वजह से उनका निधन हो गया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में आदित्य ने साझा किया कि कैसे गीता बाली के निधन के बाद शमी किसी ऐसी महिला की तलाश कर रहे थे जो उनके बच्चों के जीवन में एक माँ की तरह हो। आदित्य ने कहा कि दिग्गज अभिनेता ने अभिनेत्री मुमताज से भी शादी करने का सोचा था। वे कहते हैं डैड बहुत ही क्लियर थे कि वे चाहते थे कि कोई उनके बच्चों की देखभाल करे। वे देख रहे थे कि हमें एक माँ की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि डैड मुमताज जी से शादी करने की सोचकर कुछ गलती कर रहे थे, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि मुमताज जी का शादी ना करके अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला भी गलत था। शादी करने से पहले मुझे नहीं बताया था, आदित्य ने बताया कि जब उन्होंने नीला देवी से शादी करने का फैसला किया तो उन्होंने अपने बच्चों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। आदित्य ने कहा कि मेरे पिता ने सुबह सुबह नीला देवी से शादी कर ली थी। हम अपनी आंटी कृष्णा जी के घर पर थे, तब मैं सिर्फ 13 साल का था। हम जब शाम को डैड से मिले तो उन्होंने नीला को हमारी माँ के रूप में पेश किया था। इसके बाद आदित्य राज कपूर ने उल्टा अपने पिता के दूसरे अफेयर के बारे में पूछा। तब शम्मी की जिंदगी में दूसरी महिला के रूप में एक्ट्रेस नादिरा का नाम आया, जिनसे दिवंगत अभिनेता श्रीलंका में मिले थे। आदित्य ने इसके बारे में कहा, मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस नहीं थे। मेरे पिता उस समय काफी यंग थे और कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। गीता बाली के निधन के बाद मुमताज शम्मी की जिंदगी में आई। इसके बाद एक और महिला उनके जीवन में शामिल हुई, वो थी बीना रमानी जो एक मशहूर लेखक हैं। आदित्य राज कपूर ने बताया कि शमी कपूर जी का रिश्ता बीना जी के साथ संक्षिप्त और औपचारिक रहा। उस वक्त दो बच्चों के साथ विदुर होना अच्छी बात नहीं थी। हालांकि आज के वक्त में ऐसा नहीं है। इसके बाद शमी कपूर की मुलाकात नीला देवी से हुई। उन्होंने अंतिम वक्त तक अपने पति का साथ दिया। हालांकि आदित्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने नीला का स्वागत बहुत ही प्यार से किया था। इसके बारे में वे कहते हैं, मैं गया और मैंने उन्हें गले लगा लिया, माँ मिल गई थी, जिसके बाद मैं बहुत खुश था, कमाल हो गया था। मेरी दूसरी माँ नीला देवी बहुत ही दयालु महिला है। उन्होंने फैसला किया कि वह हमारे अलावा कोई और बच्चा नहीं चाहती। कितनी महिलाएं ऐसा कर सकती हैं? सबसे बड़ी बात, शमी कपूर और उनके दो बच्चे जैसे पागलों की देखभाल करना आसान नहीं था। मैं शर्त लगाता हूँ। अपने पिता शम्मी के रिलेशनशिप पर खुलकर बोले आदित्य कि हर कोई जानता है कि अभिनेत्री नूतन शम्मी कपूर का पहला प्यार थी। ये बात आदित्य भी मानते हैं। शम्मी और नूतन के रिलेशनशिप को लेकर आदित्य कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये तब था जब उन्होंने मेरी माँ गीता बाली से शादी नहीं की थी। वे दोनों उस समय पर काफी युवा थे, शायद वो सही कदम नहीं था। नूतन के बाद शमी कपूर की जिंदगी में नाडिया आई। नाडिया पर बात करते हुए आदित्य ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस थे। मेरे पिता उस समय काफी युवा थे। मुझे नहीं लगता कि उस समय वे किसी भी तरह का फैसला लेने में सक्षम थे। इसके बाद शमी कपूर की जिंदगी में गीता बाली आई। हालांकि 34 साल की उम्र में गीता बाली का देहांत हो गया और शमी कपूर एक बार फिर से अकेले पड़ गए। गीता बाली के निधन के बाद शमी कपूर की जिंदगी में अभिनेत्री मुमताज भी आई। दोनों एक दूसरे से शादी तो करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। मुमताज उस समय अपने करियर के पीक पर थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि शम्मी चाहते थे कि मुमताज काम करना छोड़कर उनके बच्चों की देखभाल करें।
जो मुमताज को मंजूर नहीं था। मुमताज के बाद शमी कपूर का सहारा बनी बीना रमानी। कहा जाता है कि बीना रमानी मुमताज की तरह दिखती थी। बीना रमानी के साथ अपने पिता के रिश्ते पर बात करते हुए आदित्य ने कहा कि बीना रमानी के साथ रिश्ता बहुत ही संक्षिप्त और औपचारिक था। उस समय दो बच्चों वाला सिंगल पिता कोई अच्छा प्रपोजल नहीं था। हालांकि आजकल ये तुम्हारा, मेरा और हमारा हो गया है। हालांकि कहा जाता है कि मुमताज ने शमी कपूर से शादी करने से इनकार कर दिया था। मुमताज का नाम उस समय एक्टर शमी कपूर के साथ जुड़ा था। बताया जाता है कि दोनों का अफेयर था और शमी उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने शादी से इनकार कर दिया था। अब मुमताज ने इस वजह का खुलासा किया कि उन्होंने शमी को शादी के लिए इनकार क्यों किया था। एक्ट्रेस ने बताया कि शमी उनसे प्यार करते थे, लेकिन कपूर फैमिली काफी सख्त थी और वो सब कुछ छोड़ के उनके साथ शादी कर सेटल होने के लिए तैयार नहीं थी। एक्ट्रेस ने कहा, मैंने 17 की उम्र में इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और वो उम्र सब कुछ छोड़ देने के लिए काफी कम थी। साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि उन पर परिवार की जिम्मेदारी भी थी और वो चाहती थी कि वो सभी अच्छी तरह रहें। एक इंटरव्यू में मुमताज ने बताया कि जब उन्होंने शादी के लिए शमी कपूर को मना किया तो उसके बाद शुरुआत में लोग उनका विश्वास नहीं करते थे कि वो कैसे शमी कपूर को इनकार कर सकती हैं। एक्ट्रेस ने कहा, शुरुआत में विश्वास नहीं करते थे कि मुमताज शमी को मना कर सकती है, क्योंकि वो कहाँ थे और हम कहाँ थे, जमीन आसमान का फर्क था। तो लोगों को संदेह होता था। उस जमाने में बोलते थे कि हो ही नहीं सकता कि शमी को मुमताज मना करे। मुमताज ने बताया कि शमी कपूर को शादी के लिए इनकार करने के बाद खुद शमी को मुमताज के इरादों पर शक होने लगा था। एक्ट्रेस ने बताया, जब मैंने उन्हें इनकार किया उन्होंने मुझ पर संदेह करना शुरू कर दिया कि नहीं, तुझे हीरोइन बनना है इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। बता दे कि मुमताज पहले भी ये बता चुकी हैं कि शमी कपूर चाहते थे कि वो अपना करियर छोड़कर उनसे शादी कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। मालूम हो कि मुमताज उम्र में शमी कपूर से 16 साल छोटी थी। मुमताज ने उस समय शादी कर ली जब वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी। साल 1974 में उन्होंने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली। इस समय वो 27 साल की थी। इसके बाद वो लंदन शिफ्ट हो गईं। मालूम हो कि मुमताज की दो बेटियां हैं, नताशा और तान्या। बता दी कि शमी कपूर ने एक्ट्रेस गीता बाली से शादी की थी, लेकिन साल 1965 में उनका निधन हो गया था। इसके बाद शमी कपूर ने 1969 में अपनी फैन नीला देवी से शादी की थी। साल 2011 में शमी कपूर का निधन हो गया था। बेशक आज शमी कपूर हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके द्वारा किया गया अभिनय और उनकी फिल्में आज भी दर्शकों को उनकी याद दिलाती हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस समय कपूर के बेटे के इस बड़े खुलासे के बारे में? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही सदाबहार किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।